लगता ऐसा है कि मार्क चैम्पियन ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की कसम उठा रखी है वो रिकॉर्ड कैम किया है किसी एक बड़ी टीम के खिलाफ आज तक दुनिया का कोई खिलाड़ी उतनी मार नहीं मार सका जितना कि मार्क चैम्पियन मार रहे हैं अब ना जाने पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ उनकी क्या दुश्मनी हो गई है कि इनको कोई किसी खाते में ही नहीं लेते आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मार्ग कैंपेन ने आपको ये भी बताऊं कि मार्ग कैंपेन 2014 से लेकर 2016 तक हांगकांग के लिए खेलते थे उनके लिए जो 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 मजमूरी तौर पर उन्नीस मैचेस खेले उनमें उनका मजमूरी स्ट्राइक रेट 112 था एवरेज तेईस की थी लेकिन जब से वो न्यूजीलैंड की टीम में आए हैं तो वो एक बदले हुए बैट्समैन के रूप में ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो उनका बैट बहुत ज़्यादा चलता है अगर हम स्ट्राइक रेट के लिहाज से बात करें या एवरेज के लिहाज से बात करें तो किसी टीम के खिलाफ इतना कामयाब मार्क चैम्पियन नहीं है जितना कि पाकिस्तान के खिलाफ है पाकिस्तान के खिलाफ मार्क चैम्पियन की जो एवरेज है बावन इशारिया एक सिफिर हो चुकी है और किसी दूसरी टीम के खिलाफ इतनी एवरेज नहीं है इंग्लैंड के खिलाफ फोटी थ्री है सेकेंड बेस्ट उनकी एवरेज है इसके अलावा अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ एक सौ चौंसठ इशारिया आठ सात लगभग एक सौ पैंसठ के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं किसी दूसरी टीम के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट डेढ़ सौ भी नहीं है जो सेकेंड बेस्ट उनका स्ट्राइक रेट है वो इंग्लैंड के खिलाफ है एक सौ बयालीस का और श्रीलंका के खिलाफ एक सौ चालीस का इवन के इंडिया के ख़िलाफ़ उनका एक सौ एक का स्ट्राइक रेट है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार कैंपेन पाकिस्तान के बोलर्स को कोई ज़्यादा ही ईजी लेते हैं या इनके खिलाफ कोई ज़्यादा ही होमवर्क करते हैं या दूसरे मानों में ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बोलर्स मार कैंपेन की कमज़ोरी ढूंढने में अभी तक नाकाम हैं जिसकी वजह से वो हर बार आकर मार धाड़ करके चले जाते हैं गुज्त साल वो सन्चरी बनाने में कामयाब रहे थे और गुज्त मैच में भी लगभग सेंचरी ही बना डाली थी लेकिन आखिरी जो स्कोर टारगेट चेज हो गया वरना वो तो सन्चरी बनाने के मूड में थे तो ये उनकी कारदगी है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो जिन ममालिक में एक से ज़्यादा इनिंग्स के लिए हैं सबसे हाइस्ट स्ट्राइक रेट उनका पाकिस्तान ही में है एक सौ उनहत्तर इशारिया नौ पाँच लगभग एक सौ सत्तर रन फीस बाल इसके अलावा इंग्लैंड में एक सौ इक्यावन का अपने मुल्क न्यूजीलैंड में एक का उनका स्ट्राइक रेट है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्क चैम्पियन को ना सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन भी रास आ गई है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रनस कर रहे हैं और पाकिस्तान के बॉलर्स को पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को और कोचेस को इसका हाल निकालना पड़ेगा वरना आखिरी दो मैचेस में वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं और इसके अलावा अगर बात करें दुनिया के वो खिलाड़ी जिन्होंने किसी एक टीम के खिलाफ कम से कम 500 सौ किए हों और उनकी एवरेज 50 से ज़्यादा हो तो उनमें कोई भी फुल मेंबर टीम का ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने मार्क चैम्पियन जैसी कारदगी का, का मुजहरा किया हो जिसने पाकिस्तान खिलाफ किया है क्योंकि इसके बाद जो सेकेंड नंबर पर हैं वो विराट कोहली हैं जिसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेढ़ के स्ट्राइक रेट से रन कर रखे हैं और चौदह रन 200 बाल पीछे हैं मार चैम्पियन से ओवरऑल मजमू तौर पर डुनबर ने जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं वो बलगोरिया के खिलाफ एक सौ बयासी के स्ट्राइक रेट से रन कर चुके हैं लेकिन वो एसोसिएटी में हैं फुल मेंबर टीमों में मार्क चैम्पयन जैसा जैसी एक फुल मेंबर टीम के खिलाफ कोई दूसरा बैट्समैन नहीं दे सका स्ट्राइक रेट के अतबार से जिन बल्लेबाजों ने कम अज़ कम एक टीम के खिलाफ पाँच सौ प्लस रन किए हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्क चैम्पियन पाकिस्तान के खिलाफ कितने ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं और अगर मजमू तौर पर बात की जाए तो मार्क चैम्पियन ने पाकिस्तान के खिलाफ इक्कीस छक्के लगाए हैं जबकि किसी और टीम के खिलाफ दस छक्के भी नहीं लगा सके और पाकिस्तान के खिलाफ उनके चौकों की तादाद 53 है जबकि किसी टीम के खिलाफ दो दर्जन से ज़्यादा चौके नहीं लगा सके किसी और टीम के खिलाफ तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार चैम्पियन ने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही ख़ुद को ज़्यादा बड़ा बैट्समैन साबित किया है दीगर टीमों के खिलाफ उन्हें किसी हद तक जदोजहद का सामना करना पड़ता है लेकिन ये पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए बरहाल सवाल या निशान ज़रूर है कि वो इस मार चैम्पियन जो कि गुज्तर टूर में भी पाकिस्तान के खिलाफ मोहलक हथियार साबित हुआ था इस बार भी वो यहाँ मार धाड़ कर रहा है तो उसका जो हल है उसका जो तोड़ है वो पाकिस्तान के बॉलर्स क्यों नहीं निकाल पा रहे पाकिस्तान के कोचेस क्यों नहीं निकाल पा रहे इसका उनके जवाब देना पड़ेगा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा वरना कोई बात नहीं कि ये बी टीम खिलाने वाली न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से सीरीज भी जीत कर चली जाए अगर मार्क चैम्पियन को कंट्रोल ना किया गया तो